हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नया फॉर्मूला अपनाने जा रही है। हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नया फॉर्मूला लगाने जा रही है। वहीं नागरिक अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इसके चलते मरीजों को संभालने के लिए डॉक्टरों की कमी को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। इस मौके पर सरकार ने ये फैसला लिया है कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में MBBS करने वाले छात्रों को डिग्री लेने के बाद 2 साल के लिए सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएँ देनी होंगी। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस समस्या का तोड़ भी निकाल दिया है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए कम से कम 1 लाख रुपए पगार करने का बजट रखा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के DG होमगार्ड को पत्र लिखकर कहा कि वह प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अपने सुरक्षाकर्मी नियुक्त करें। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। एक तो हमने जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल पहले ही कर दी थी। दूसरा, हम स्कीम बनाई है कि डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं और हमारी जो PSC CSC जहाँ अस्पताल है वो लंबे समय तक खाली रहता है, क्योंकि रेगुलर भर्ती करने में बहुत समय लगता है। उसके लिए हमने अडहोक डॉक्टर रखने की स्कीम अप्रूव करवा रहे हैं और जिसमें वॉक इन इंटरव्यू होगी और डॉक्टर को 1 लाख रुपया हम मासिक देंगे लमसम।